जेनेसिस की कहानी में लिखा है कि खुदा ने, वो गॉड विद अ कैपिटल जी ने, पूरी दुनिया बना दी थी सिर्फ 6 दिनों में। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो उतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें भी सिर्फ 6 दिनों में कुछ लोगों की पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि इन 6 दिनों में कई बार कई लोगों के बीच इश्क अपना खेल खेलेगा, क्योंकि हमारी दुनिया में इश्क की ताकत खुदा से कम थोड़ी ना है, है ना? मेरा नाम है लक्ष दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये कहानी है हमारी जिंदगी के उन दिनों की जब प्यार नहीं सीधे इश्क होता है। ये कहानी है दिल्ली के एक स्कूल की जिसका नाम तो कुछ और है, लेकिन हमारे काम के लिए उसका नाम है स्कूल ऑफ इश्क, क्योंकि इस स्कूल के स्टूडेंट्स को स्पेस के ब्लैक होल में कम और इश्क के ब्लैक होल में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये एपिसोड, हमारा पहला एपिसोड, सेट है उन 6 दिन में से पहले दिन पर, Day 1, मंडे, February 11th, 2002। हाँ, 2002, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर बच्चे के हाथ में फोन नहीं था और स्पाइडरमैन भी एक ही था। यह कहानी शुरू होती है एक रूमर से, एक अफवाह, लेकिन अफवाह थोड़ा भारी है तो रूमर ही बुलाते हैं। लेकिन वो रूमर बताने से पहले जरूरी है आपको मिलाना इस एपिसोड के हीरो से, जिसका नाम है रूहान। रूहान 16 साल का है और हमारे स्कूल ऑफ इश्क की 11th क्लास में है। रूहान दिखने में कैसा है? तो एक छोटा सा फ्लैशबैक करते हैं। इस कहानी से कुछ महीनों पहले अगस्त 2001 में एक नई मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था दिल चाहता है। रूहान ने यह मूवी नहीं देखी है और देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसकी पहली और एक लौती गर्लफ्रेंड ने यह फिल्म देखी और फिर देखने के बाद रूहान से कहा कि उसकी शक्ल अक्षय खन्ना से मिलती है। ये बात सुनने पर रूहान को ठीक ही लगा था। उसने ये फिल्म नहीं देखी थी लेकिन अक्षय खन्ना को देखा था एक और फिल्म में जिसका नाम था ताल, और ताल में अक्षय की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय थी, और अगर ऐश्वर्या को अक्षय पसंद है तो कोई तो बात होगी ना उसमें, राइट? और क्योंकि उसकी तब की गर्लफ्रेंड ने यह कहा था, उसे लगा कि ये तौहीन तो हो नहीं सकती क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसे पसंद करती थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को अगर एक फिल्म स्टार से कंपेयर कर रही है तो वो तारीफ ही होगी, है ना? लेकिन फिर दिल चाहता है कि रिलीज के एक महीने बाद रूहान और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। अब वो किसी और के साथ है, रूहान नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। रूहान ने उस लड़के को कभी देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि वो लड़का सैफ अली खान जैसा दिखता है। ये बात जानकर रूहान को समझ आया कि ताल के अक्षय खन्ना और दिल चाहता है कि अक्षय खन्ना में काफी फर्क है, लेकिन किसी भी अक्षय खन्ना और सैफ अली खान में और भी ज्यादा फर्क है। इसीलिए रूहान ने दिल चाहता है नहीं देखी है और ब्रेकअप के बाद से उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी नहीं देखा है। वो उसकी सोसाइटी में रहती है लेकिन दूसरे स्कूल जाती है। ब्रेकअप से पहले रूहान को लगता था कि अगर वो सेम स्कूल में होते तो कितना अच्छा होता। इस फ्लैशबैक का पॉइंट ये है कि रूहान को पता नहीं है कि वो कितना अच्छा दिखता है। रूहान को अपने बारे में कैसा महसूस होता है वो उसे दूसरों से पता चलता है। इस ब्रेकअप को 3 महीने हो गए हैं और इस ब्रेकअप से पहले रूहान को लगता था कि वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 शायद 7 है,
ब्रेकअप के बाद वो नंबर सीधा ड्रॉप हुआ 4 पॉइंट, और पिछले 3 महीनों में धीरे धीरे वापस सिर्फ 5 तक ही आ पाया है। एक दिन तो वापस 6 पर भी पहुंच गया था, लेकिन फिर वो अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखने गया जिसका नाम था रहना है तेरे दिल में, और उसमें सैफ अली खान की स्पेशल अपीयरेंस को देखकर बात वापस 4 तक पहुंच गई थी। तो बेसिकली रोहान का कॉन्फिडेंस अभी भी डाउन है, उसका ये 6 का स्कोर कभी भी गिर सकता है। और इस इंटरनल स्ट्रेस के ऊपर एक और भी बड़ा एक्सटर्नल स्ट्रेस आने वाला है। कल रोहान के स्कूल में प्रोम्पोजल डे है, क्योंकि स्कूल ऑफ इश्क में फेयरवेल के बाद की अनऑफिशियल आफ्टर पार्टी का नाम है प्रॉम नाइट। थोड़ा महंगा स्कूल है ना, तो स्कूल स्टूडेंट्स ने फेयरवेल की आफ्टर पार्टी का नाम भी थोड़ा महंगा रखा है। तो ये फेयरवेल / प्रॉम है सैटरडे को, फेब्रुअरी 16th, आज से 5 दिन बाद। ये डेट याद रखना, क्योंकि इस कहानी का लक्ष्य और इसका क्लाइमैक्स वही दिन है, और उस दिन की रात भी। एनीवे, कल प्रोम्पोजल डे पर वो सब स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, उन्हें एक आखिरी मौका मिलता है अपने लिए डेट ढूंढने का। कल के दिन कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे से अपने दिल की बात कहकर उन्हें अपनी प्रॉम की डेट बना सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि रोहान का कॉन्फिडेंस आज नॉर्मल से ज्यादा क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि रोहान सिंगल तो है ही, प्रॉम पर जाना भी चाहता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसकी दुनिया में हर किसी को सैफ चाहिए, अक्षय नहीं। इसीलिए रोहान का प्लान तो ये है कि कल प्रोम्पोजल डे पर वो तो किसी भी लड़की से कुछ नहीं कहने वाला है, और कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड हो इस सोच को तो उसने भाव भी नहीं दिया है। रोहान अभी 7th पीरियड में अपनी सीट पर बैठा है, फिजिक्स टीचर की कोई भी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि शायद वो कल स्कूल आए ही ना। अगर वो किसी को मौका ही नहीं देगा तो उसका दिल कैसे टूटेगा। लेकिन उसे नहीं पता है कि अगले 1 मिनट में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस को एक नया बूस्ट मिलने वाला है। रोहान इश्क के ब्लैक होल में अपनी और किसी और की मर्जी से छलांग लगाने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ रोहान की बैक स्टोरी थी। वक्त आ गया है इस कहानी को शुरू करने का। मैंने कहा था ना, ये कहानी शुरू होती है एक रूमर से, और वो रूमर अभी अभी किसी ने रोहान के डेस्क पर पास करी है, एक चिट जिसमें लिखा है, रोहान, देयर इज अ रूमर दैट सुहाना लाइक्स यू। और आज की कहानी यहीं तक। स्कूल ऑफ इश्क का फेयरवेल और प्रॉम नाइट आ रहे हैं, 5 days टू गो। लेकिन उससे पहले काफी लोगों की दुनिया बदलने वाली है। कुछ और लोग इश्क के इस ब्लैक होल में घूमने वाले हैं और घूमने भी वाले हैं। तो अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा इस कहानी का अगला चैप्टर। मेरा नाम है लक्ष दत्ता, और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट स्कूल ऑफ इश्क। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @lakshya.d। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है Day 1 सुहाना।